पैसे मिलेंगे। संजू, थैंक गॉड आप दोनों यहाँ मिल गए। कब से ढूंढ रही हूँ मैं। नीति, तू ऐसे क्या कर रही है? तो कार पे थी ना। आई आंटी। संजू चलो मेरे साथ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। और छोड़ो मेरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नहीं छोड़ूंगी, चलो मेरे साथ अभी की अभी। कलो को हो गया, पार्टी चल रही है। परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई किस तरह से इस बार परी ने भूत और अंधेरे का सहारा लिया है नीति की सच्चाई सामने लाने के लिए। जी हाँ, जैसा कि हमें पता ही है कि भाई नीति इस दुनिया में किसी चीज से डरती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और भूत है, और इस बार इसी बात का फायदा उठाने वाली है परी। जी हाँ, एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इस बार पागल तुम हो जाओगे उसे देखकर जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ। संजू लेट्स लीव, चलो। नीति के कटिंग के बाद चलेंगे जहाँ भी चलना, अभी तमाशा खेल मत करो। समझी आंटी जी, केक काटने से पहले विश मांगना मत भूलना। संजू मैंने कहा ना अभी के अभी चलो, छोड़ो ये सब कुछ। परी जो है वो पहुंच चुकी है बाजवा हाउस में, और इसी बीच यहाँ पर उसने अपना गेम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर नीति घर पर अकेली है और सभी घर वाले बाहर गए हुए ऑलरेडी। यहाँ पर नीति जो है डरी हुई है क्योंकि वो घर पर अकेली है, और आपको बता दो कि भाई इस बार मौसम भी जो है हमारी परी के साथ है। यहाँ पर भाई इससे ज्यादा जरूरी है वो दिखाना जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। चलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक पार्टी में आया हूँ, केक कटिंग के बाद चलेंगे, दो मिनट बाद चलेंगे, दो मिनट वेट करो। दो मिनट नहीं है मेरे पास, एक सेकंड तक नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ ना। वो लीव ऑल दिस एंड कम विद मी राइट नाउ। मौसम काफी खराब है, बिजली कड़क रही है, तूफान चल रहा है, और यहाँ पर हमारी परी जो है घर पर पहुंच जाती है। और इसी बीच यहाँ पर परी जो है पैरों के उल्टे निशान बनाती है ताकि जब नीति पैरों के निशान को देखे तो इसे समझ में आ जाए कि भाई सच में ये भूत के ही पैर है, क्योंकि भाई भूत के पैर तो उल्टे होते हैं। और आगे यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि भाई परी जो है घर के लाइट्स को फ्यूज कर देती है, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर नीति की हालत जो है खराब हो चुकी है। अब यहाँ पर नीति घर पर अकेली भी है, उसे डर भी लगता है, अब लाइट्स भी चली गई है और भाई तूफान भी रहा है, तो यहाँ पर नीति की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है भाई। अब वो डर चुकी है क्योंकि वो घर पर अकेली, और वो सबका इंतजार कर रही है कि कब सब लोग घर आए और यहाँ पर नीति की जान बचे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ, यहाँ पर हम एपिसोड में देख रहे हैं कि अब वो डर चुकी है और वो कैंडल्स लेने के लिए जा ही रही होती है कि अचानक उसके सामने परी आ जाती है, जिसे देखकर भाई हमारी नीति मैडम की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। जी हाँ, अब उसे ऐसा लग रहा है कि भाई परी तो मर चुकी है और उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परी की आत्मा दिखाई दे रही है, परी की आवाज सुनाई दे रही है, लाइट्स भी जो है वो ऑन ऑफ हो रही है, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ परी कर रही है। लेकिन यहाँ पर नीति को अभी बहुत डर लग रहा है और यहाँ पर नीति को वही मंत्र सुनाई देता है जो अब हमारी परी जो है खाई से गिरी थी, तभी मंत्र चल रहा था। और ये मंत्र सुनकर भाई नीति की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई परी की आत्मा यानी परी जो है वो नीति से सवाल करेगी और कहेगी कि तुझे क्या लगा था कि तू मुझे मारकर अच्छे से जी पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आज मैं तुझे यहाँ पर मारने आई हूँ। और लेकिन यहाँ पर नीति जो है वो परी से बार बार माफी मांगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई, लेकिन यहाँ पर भाई इस बार परी जो है वो नीति की सच्चाई सामने लेकर आएगी और ये सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसी के साथ आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार परी अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाई है या फिर नहीं।